अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं दूध पेड़ा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर हमें दूध लेना है, इलायची पाउडर लेंगे 1/2 TSP, 1/2 कप शक्कर लेंगे। पहले दूध को हम पैन में डालेंगे, दूध में उबाल आने देना है। दूध में उबाल आने के बाद हम इसे एक फ्लैट पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है हमें। लो फ्लेम पे इसे पकाते हुए दूध को हम गाढ़ा करेंगे। देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसके साइड में जो मलाई जम जाती है उसे हम निकालेंगे और दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे, इससे भी दूध के अंदर गाढ़ापन आएगा। हमें मावा बनाना है दूध से, इसलिए हम इस तरह से पकाते रहेंगे इसे कंटिन्यूसली। जब आपको ऐसा ग्रेनी टेक्सचर दिखाई देगा दूध में, तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। इलायची पाउडर डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, जलना नहीं चाहिए ये, और इसका ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए। पकाते वक्त हमें वाइटिश कलर चाहिए, मिल्की वाइटिश कलर चाहिए पेड़े के लिए, तो आपको इसका ध्यान देना है। जब ये पैन का साइड छोने लगेगा तब हम गैस बंद कर देंगे, दूसरे प्लेन में से ट्रांसफर कर ले। पैन में रहने नहीं देना है आपको, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको उसका ध्यान देना है। ये ग्रेनी टेक्सचर है इसीलिए हमने इसे एक बार ब्लेंड कर लिया है। जब ये वार्म रहेगा तभी हम इसके राउंड पेड़ास बना लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद में आप पेड़े का स्टैम्प लेंगे और इस तरह से हम लाइटली से प्रेस करके एक डिजाइन बना लेंगे। जब तक पेड़ा बिल्कुल ठंडा नहीं होगा इसके ऊपर ये डिजाइन नहीं बनेगा, तो आपको इसका ध्यान देना है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद में आप ये डिजाइन बनाएंगे। एकदम सॉफ्ट दूध पेड़ा तैयार हो गए हैं, चलिए इसे चेक करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून घी लेंगे, 1/2 कप दूध लेना है हमें। पैन में दूध डालेंगे हम, गैस को ऑन नहीं करना है अभी। मिल्क पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स कर लेंगे दूध और मिल्क पाउडर को। इसके बाद हम घी डाल के गैस को स्विच ऑन करेंगे और कंटिन्यूसली हमें चम्मच चलाते रहना है लो फ्लेम पे। जब एक डो की शक्ल में बन जाएगा और पैन का साइड छोड़ने लगेगा तब ये मावा तैयार है। होममेड मावा तैयार हो गया है। हम ये मावा लेंगे और 1/2 कप मैंगो प्योरी लेना है हमें। अल्फोंसो मैंगो लिया है हमने, इसमें कोई कलर यूज नहीं किया हमने। पैन में मैंगो प्योरी डालेंगे, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पका लेना है। मावा डालेंगे और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आ जाए। लो फ्लेम पे इसे पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से डो की जैसा ना बन जाए। अब ये पैन के साइड्स छोड़ने लगा है, ये मिक्सचर तैयार हो रहा है। बर्फी का मिक्सचर तैयार हो गया। हमने एल्युमिनियम प्लेट लिया है, इसे घी के साथ में इसे ग्रीस कर लिया है। मिक्सचर को ये सेटिंग डिश में डाल देंगे, इवनली इसे स्प्रेड कर ले। एक थिक लेयर बनाना है हमें, बर्फी के जितना थिक लेयर बनाना है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके ऊपर हमने ये सिल्वर का वर्क लगा लिया है, ये ऑप्शनल है। डिजायर्ड शेप्स में आप इसे काट सकते हैं। पिस्ते के साथ में हमने इसे गार्निश कर लिया था और मैंगो बर्फी तैयार है। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो हमने फीका मावा लिया है, पाउडर्ड शुगर लेंगे 1/4 कप, नारियल का बुरादा लेना है 1/4 कप,
पिस्ता लेंगे जो आपका लिया है 2 टेबलस्पून, कंडेंस मिल्क लेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ाफ़रान लेना है 1/2 टेबलस्पून, घी लेंगे 1/2 टेबलस्पून, ग्रीन और येलो फूड कलर लेना है हमें। पहले हम मावा को ब्लेंडर जार में डालेंगे, 1/4 कप शक्कर का पाउडर डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। पल्स मोड पे आपको इसे ब्लेंड करना है। 1 टेबलस्पून मिल्क, कंडेंस मिल्क डालेंगे, इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। एक डो के जैसा आपको बनाना है इसे, ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है आपको। घी लगा के इसे अच्छी तरह से हम नीट कर लेंगे। 3 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर लेना है। पहले पार्ट में आप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड में रख लेंगे। दूसरे पोर्शन में हमने ज़ाफ़रान मिलाना है और येलो फूड कलर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी साइड में रख लें। थर्ड पोर्शन में आपको पिस्ता डालना है, पिस्ते का पाउडर डालना है और ग्रीन फूड कलर डाल के इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे भी साइड में रख लें। एक ट्रे में आपको फॉइल पेपर लगाना है, इसके ऊपर ये कोकोनट मावा का मिक्सचर रखेंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाएंगे ज़ाफ़रान का और मावा का, इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। थर्ड लेयर लगाएंगे पिस्ते का, पिस्ता और मावा का आपको लेयर लगाना है, अच्छी तरह से इसे इवनली स्प्रेड कर लें। इसे फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 20 मिनट के बाद आप इसका फॉइल पेपर निकालेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। चांदी का वर्क लगा लिया है हमने, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप कोई भी अपनी पसंद का शेप दे सकते हैं इसे। चलिए इसे चेक कर लेते हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल 3 लेयर्स दिख रहे हैं। इसकी सॉफ्टनेस भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो हमने मावा लिया है, 1/2 कप पाउडर्ड शुगर लेना है, 1 टेबलस्पून घी लेंगे, 1/2 कप दूध लेना है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे। पैन में घी डालेंगे और मावा डालेंगे। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना मावा का कलर चेंज हो जाएगा, आपको इसका ध्यान देना है। लो फ्लेम पे इसे कुक करते रहेंगे हम, कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनने तक इसे हम चलाते रहेंगे चम्मच। जब पैन का साइड से छोड़ने लगेगा हम इसे दूसरे बाउल में निकाल देंगे, पैन में नहीं रखेंगे। आप कोई भी अपने पसंद का कलर डाल सकते हैं इसके अंदर। इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पाउडर्ड शुगर डालना है इसके अंदर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फिर से पैन में डालेंगे, 1/2 कप दूध डालेंगे इसके अंदर और चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहना है जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए। गैस बंद कर देंगे। जब ये पैन का साइड छोड़ने लगेगा छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे ये मिक्सचर का। जब ये गर्म रहेगा, नीम गर्म रहेगा, तभी हम इसके बॉल्स बनाएंगे। ठंडा होने के बाद नहीं बनाना है वरना पेड़ा नहीं बनेगा। हमने पेड़े के स्टैम्प्स लिए हैं, इसे लाइटली प्रेस कर लेंगे, इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाएगा इसके अंदर। पूरा ठंडा होने के बाद में सॉफ्ट मावा पेड़ा तैयार है। 1 कप रवा लेंगे, किशमिश लेना है, काजू लेंगे, इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, घी लेंगे 1/2 कप, शक्कर लेंगे 1 कप, पिंक फूड कलर लेंगे, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। हमने पानी को उबाल के रख लिया था, 3 कप हमने गर्म पानी लेना है। पैन में घी डालेंगे, इसमें रवा डालें और लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। 15 मिनट तक आप इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करते रहेंगे, इसका कलर चेंज होने नहीं देना है। इसके बाद इसमें गर्म पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना आ जाए। शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पिंक फूड कलर डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल लें इसमें, किशमिश और काजू डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पे इसे पकाते रहेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करना है, आपको इसका ध्यान देना है।
इलायची पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। पैन के साइड्स छोड़ने तक हम इसे पकाते रहेंगे। देखिए अब ये पैन का साइड्स छोड़ने लगा है। अभी मिक्सचर तैयार हो गया है। हमने एक डिश लेके इसे ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर ये मिक्सचर डालेंगे। कटोरी लेके आप इसे फ्लैटन कर लें। इस तरह से फ्लैट करने के बाद में आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। 2 घंटे के बाद इसके साइड्स को लूजन कर लेंगे और डीमोल्ड कर लें। सिल्वर का वर्क लगा लेंगे, चांदी का वर्क लगा लें इसके ऊपर और छुरी से हम इसके पीसेस कर लेंगे। हमने डायमंड शेप्स में इसे काट लिया है। इसे चेरी के साथ डेकोरेट करें और रवा बर्फी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।